कुर्बान। कुर्बान भाई आप इस वक्त क्या? मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, वो शब्बीर इस टाइम घर पे नहीं होते ना, मुझे लगा आप उनसे मिलने आए हुए होंगे। ठीक है भाई, मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप आ जाएंगे। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस सब्जी काट रही थी। कहाँ जा रही? बैठ जाओ। निमरा, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट फूट चुकी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। शब्बीर भाई किसी भी लिहाज से तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं शक्लो सूरत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, एहसास की बात कर रहा हूं। एहसास नाम की चीज शब्बीर भाई के अंदर बिल्कुल नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि औरत का दिल कितना नाजुक होता है और औरत को हर वक्त किसी हमदर्द दोस्त की जरूरत होती है। शब्बीर को फोन करके कहती हूँ कि आप उनका इंतजार कर। उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। तुम्हें पता है ना, दूसरे इंसान का दर्द वो इंसान महसूस कर सकता है जो खुद दर्द में मुब्तला। और ये दोनों बहन भाई, शब्बीर और आसमा, इन दोनों की आदत एक जैसी है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं आसमा के साथ किस तरह दिन और रात गुजार रहा हूँ। मैं मानता हूं कि मैं बहुत नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाऊं। और ये दोनों बहन भाई, इनकी आदत है दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाने की। तुम मुझे बताओ, शब्बीर भाई ने तुमसे शादी क्यों की? क्यों की? सिर्फ तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाने की। मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गया हूँ। छोड़ो इन बातों को, चाय नहीं पिलाओगी अपने भाई को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? ऑफिस से वापस आ रहा था तो सोचा आपको पिक कर लूं। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? घर गया था, भाभी ने बताया था। तो यूं कहो ना कि घर से आ रहे। ये क्यों कह रहे हो कि ऑफिस से आ रहा हूँ? वो खाला कहाँ है, सलाम कर लूं? वो बेचारी अकेली जान बाहर सौदा लेने गई है। वही तो है जो अंदर बाहर के सारे बखेड़े देखती। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। कभी कभी आ जाएगा, खाला का घर इतना हक तो बनता है ना तुम्हारा। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, इतना हक तो बनता है। अब सीमा भी साथ गई होंगी? अरे नहीं, वो तो अंदर है। जाओ उससे कहो तुम्हारे लिए चाय बना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या?
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जब चाहे आ सकते हैं। कहाँ थी इतने दिनों से तुम आई नहीं? वो मैं थोड़ी मसरूफ थी। जानता हूँ मैं तुम्हारी मसरूफियात को अच्छे से। गहरे गहरे लोगों के सामने आकर के उल्टे सीधे सवाल के जवाब दे रही होगी। खाला को तो छोड़ो, तुम तो समझदार हो, जानती हो ना जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और जल्दी में किए हुए फैसले कभी कभी सारी जिंदगी का पछतावा बन जाते हैं। वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं है, इनकार कर दो उस रिश्ते से। पता नहीं वो मेरे काबिल नहीं है या मैं ही उनके काबिल नहीं हूँ। कह रहा हूँ ना कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इनकार कर दो। किस भरोसे पर? मेरे भरोसे पर। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, उम्र भर का साथ होता है और ऐसे फैसले वक्ती जज्बात के असर में आके नहीं किए जाते। मैंने ये फैसला जज्बात में आके नहीं किया, बहुत सोचा है मैंने इसके बारे में। हम क्या और हमारी सोच क्या, हमारे बड़े जो हमारे लिए फैसले करते हैं वो अपने तजुर्बों की रोशनी में करते हैं। हमारे लिए क्या बेहतर है वो ज्यादा समझ सकते हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो जानते हैं। अगर हमारे बड़े इस पर राजी हों तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे अपनी अम्मी के किसी भी फैसले पर कभी भी एतराज नहीं हो सकता। और मुझे भी पूरा यकीन है कि खाला मुझे भी कभी इनकार नहीं कर सकती। क्या फरहाद ने सीमा से शादी की ख्वाहिश दर की है? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मुझे ये बताएं कि आप खाला से रिश्ता मांगने के लिए कब जा रही हैं? फिलहाल तो अभी मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं। क्यों? अभी तो फरहाद को अकल आई है, वो सीमा से शादी करना चाहता है और मुझे आपके इनकार की वजह समझ में नहीं आ रही। मैं इनकार नहीं कर रही बेटा, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रही जिस वक्त फरहाद के दिल में सीमा के लिए तड़प पैदा होगी। मैं उस वक्त इन दोनों की शादी करूंगी जब फरहाद के दिल में सिर्फ सीमा की मोहब्बत होगी, किसी दूसरी का साया तक नहीं होगा। और तुम देखना वो वक्त बहुत जल्दी आएगा। मैं फरहाद की तरफ से बहुत परेशान था, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह। पप्पू ये अम्मी ने भेजा आपके लिए, शादी में सबने आपको इतना मिस किया, सब पूछ रहे थे आपका। बेटा अब इस उम्र में सफर नहीं होता इसलिए नहीं गई। ये बताओ सबा तो खुश है ना? जी माशाल्लाह बहुत खुश है, रेहान बहुत ख्याल रखता है उसका। हबीब ये बहुत तंग कर रहा है, सो ही नहीं रहा। अरे तुम प्यार से सुलाओगी तो सोएगा ना। अच्छा सुनो, तुम्हारे भाई के कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए रखे, उन्हें प्रेस कर देना। और टीपू के कुछ कपड़े मैले भी पड़े, धो देना उन्हें।
अच्छा बेटा तुम्हें क्या हो गया, इतनी कमजोर हो गई हो? अरे कहाँ पप्पो, ये तो शुरू से ही ऐसी है। खाती तो बहुत है लेकिन इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पो मैं टीपू को सुला कर आती हूँ, फिर किचन में खाना भी बनाना है। सारा दिन पप्पो पढ़ाई के बहाने कमरे में बंद रहती है, और जहाँ कोई मेहमान आ जाए तो समझे इसके पैरों पे तो फिरकी लग जाती है, जैसे कि पूरे घर का काम तो यही करती है। वैसे पप्पो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। अब सबा की शादी पे ही देख लीजिए कितनी सारी शॉपिंग कराई है मैंने इसे। वैसे मेरी दुआ है कि ये भी अपने घर की हो जाए। अल्लाह करे आपकी दुआओं में असर हो, वरना मुझे आसार तो ऐसे कोई नजर नहीं आ रहे। असल में उस दिन जो सीमा को लोग देखने आए थे ना, वो अब तुम्हारी खाला से जवाब मांग रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक इनकार नहीं किया? क्यों इनकार करेंगी, बताया तो था इतना अच्छा रिश्ता है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी बात करें। ना भाई ना, मैं अपनी यतीम भांजी के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं कर सकती। दिल में तो तुम्हारे हर वक्त वो मनहूस बसती, हमेशा उसकी याद में खोए रहते हो। सीमा को यहाँ मैं तुम्हारे नाज नखरे और ये घर संभालने के लिए लेकर आऊँ। अम्मी जो इस दुनिया में नहीं रही उसे क्यों कोसती हैं आप? माफ कर दीजिए उसे, जितनी गलती उसकी थी ना उतनी ही गलती आपके बेटे की भी थी। अच्छा नहीं कोसती। अच्छा अम्मी आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप खाला से कहेंगी कि वो शीशे से इनकार करते हैं। देखिए अम्मी कोई एक खूबी तो होनी चाहिए ना, कम आमदन और घर ऐसे जैसे पूरी बारात हो, और इतना छोटा घर के सांस लेने के लिए बंदा तरस है। अब आप खुद बताएं कि क्या ये रिश्ता सीमा के लायक है? बस आप खाला से कहें कि वो उस रिश्ते से इनकार करते हैं, और अब इशारा शारों में मेरी बात भी कर लीजिएगा। सोच लो फरहाद, कहीं ऐसा ना हो कि इधर में सीमा के हाथ में तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनाऊं और उधर फिर से पुरानी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जाग जाए। पुरानी मोहब्बत तो मेरे नसीब में नहीं थी अम्मी। आप फिक्र मत करें, मैं सीमा का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, करती हूँ मैं बात उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खाना तैयार है, निकालूं आपके लिए? क्या बनाया? मटर कीमा और साथ में कबाब बनाया। भाभी कहाँ तुम्हारी? भाभी अंदर है शायद, टीवी देख रही है। तुमने यूनिफॉर्म नहीं बदला भी? वो कॉलेज से आई थी तो टीपू रो रहा था, उसको बहलाते बहलाते टाइम लग गया, उसी तरह से किचन में चली गई, फिर यहाँ आ गई। पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। मेहनत करो, फाइनल ईयर है तुम्हारा। तुम कब आए? बस अभी आए। तो नीचे क्यों खड़े हो? ऊपर जाके चेंज कर लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं। छोड़ सब काम, पहले खाना खाओ। जी। अरे मैंने तो उससे कितनी दफा कहा है कि कॉलेज से आने के बाद सबसे पहले खाना खाया करो, लेकिन तुम्हारी बहन किसी की सुनती कहाँ है। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं फिर खाना लगाती हूँ। चाय हमेशा इतनी अच्छी होती है,
के चाहेगा। तुम तो हर काम ही सलीके से करती हो। अगर मेरी बीवी में सारी खूबियां होती ना तो मैं उसे सलाखों पर बैठा। शब्बीर भाई तुम्हारी कदर नहीं करते, मुझे अफसोस होता है। ऐसी बात नहीं है, शब्बीर का तो एहसान है कि उन्होंने मुझे सैफ के साथ कबूल किया है। जिस ऐब की वजह से मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐब? प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं? तो मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद जुर्म हो। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है और मैं ये भी महसूस करता हूं कि तुम्हें एक मुखलिस दोस्त की जरूरत है। मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ निमरा कि मैं शब्बीर भाई के लिए नहीं आता हूँ बल्कि तुम्हें देखने आता हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे दोस्ती की कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही जरूरत। आपसे सिर्फ मेरा ये ताल्लुक है कि आप आसमाबाजी के शौहर हैं। मुझे गलत मत समझो, कोई भी राय कायम करने से पहले सिर्फ ये सोच लो कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ कि तुम्हारा दर्द बांट सकूँ, अकेले में जो तुम महसूस करती हो वो तुम मेरे साथ शेयर कर सको। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो भी बोझ है ना वो तुम मुझे अपना भाई समझकर मुझसे शेयर कर लिया कर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं पहले तुम्हें गलत समझता था लेकिन अब मुझे अपनी पिछली सोच पर शर्मिंदगी होती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। देखो हम दोनों की नीयत बिल्कुल साफ है लेकिन शब्बीर भाई अलग मिजाज के आदमी है तो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए ना कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आता हूँ। मेरे ख्याल से मुनासिब यही होगा कि आप सिर्फ तभी आया करें जब वो घर में मौजूद हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी परेशानी और बेबसी के एहसास को कम करने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। चाय बहुत अच्छी है तुम्हारे हाथ की। बस क्यों कर दिया? बस इतनी भूख थी भाई। थोड़ा सा तो और ले लो, तुमने तो कुछ खाया नहीं। नहीं भाई बस। तुम रेस्ट करो, मैं बर्तन समेट लूंगी। जी ठीक है। तुम जोर हो गए बहुत। इतना सब कुछ तो खाती है वो, फ्रूट अलग खा रही है, दूध अलग पी रही है, कौन सा रोग लगा लिया इसने? खाया पिया कुछ लगता ही नहीं। तन्हाई फील करती है शायद। कैसी तन्हाई? कॉलेज में दोस्तें होती हैं, घर पे मैं हूँ इसके साथ, और तुम्हें इसके साथ ज्यादा नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं निमरा ने कितना फायदा उठाया तुम्हारी नरमी का। अक्सर ऐसा कुछ नहीं करेगी मुझे यकीन। बस तुम तो राय नहीं दो, तुम्हें तो निंदना पे भी बड़ा यकीन था। क्या किया उसने? अम्मा बेटी की मोहब्बत में तुम तो पागल हुए जा रहे थे। अच्छा खैर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना इसकी देखभाल के लिए। तुम बस इस पे अपना रोब रखो, ये बहुत जरूरी है। अब मुझे तो लगता है कि ये कॉलेज पढ़ने वढ़ने नहीं जाती, बल्कि कॉलेज तो घर से भागने का एक बहाना है। सुबह कॉलेज, वापस आके टीवी, बस यही तो रूटीन रह गया इसका। फरहाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर क्यों आ रहे हैं? वो अम्मी घर पे नहीं है। मिलने तो मैं खाला से आया था,
लेकिन मुझे तुमसे भी एक जरूरी बात करनी है। हाँ लेकिन अभी घर पे कोई नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? है। तो फिर बस मुझे मुनासिब नहीं लगता। सीमा तुम उस रिश्ते के लिए हरगिज़ हाँ मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उस वाक्य के बाद अगर मैं किसी की वजह से जिंदगी में वापस लौटा हूं तो वो सिर्फ तुम हो। खाला से भी यही बात करने के लिए आया था मैं। अगर खुदा ने आपको मेरे नसीब में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत मेरे नसीब को नहीं बदल सकती। आप प्लीज अब जाएं, दरवाजा बंद करना है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चाय हमेशा इतनी अच्छी होती है। उनकी चाय का तुम तो हर काम ही सलीके से करती हो। अगर मेरी बीवी में सारी खूबियां होती ना तो मैं उसे सलाखों पर बिठा। शब्बीर भाई तुम्हारी कदर नहीं करते, मुझे अफसोस होता है। ऐसी बात नहीं है, शब्बीर का तो एहसान है कि उन्होंने मुझे सैफ के साथ कबूल किया है। जिस ऐब की वजह से मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐब? प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं? तो मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद जुर्म हो। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है और मैं ये भी महसूस करता हूं कि तुम्हें एक मुखलिस दोस्त की जरूरत है। मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं निमरा कि मैं शब्बीर भाई के लिए नहीं आता हूं बल्कि तुम्हें देखने आता हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। क्या आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे दोस्ती की कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही जरूरत। आपसे सिर्फ मेरा ये ताल्लुक है कि आप आसमाबाजी के शौहर हैं। मुझे गलत मत समझो, कोई भी राय कायम करने से पहले सिर्फ ये सोच लो कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ कि तुम्हारा दर्द बांट सकूँ। अकेले में जो तुम महसूस करती हो वो तुम मेरे साथ शेयर कर सको। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो भी बोझ है ना वो तुम मुझे अपना भाई समझकर मुझसे शेयर कर लिया कर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं पहले तुम्हें गलत समझता था लेकिन अब मुझे अपनी पिछली सोच पर शर्मिंदगी होती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। देखो हम दोनों की नीयत बिल्कुल साफ है लेकिन शब्बीर भाई अलग मिजाज के आदमी है तो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए ना कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आता हूँ। मेरे ख्याल से मुनासिब यही होगा कि आप सिर्फ तभी आया करें जब वो घर में मौजूद हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी परेशानी और बेबसी के एहसास को कम करने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़। चाय बहुत अच्छी है तुम्हारे हाथ की। बस क्यों कर दिया? बस इतनी भूख थी भाई। थोड़ा सा तो और ले लो, तुमने तो कुछ खाया नहीं। नहीं भाई बस तुम रेस्ट करो, मैं
बर्तन समेट लूंगी। जी ठीक। तुम जोर हो गए बहुत। इतना सब कुछ तो खाती है वो, फ्रूट अलग खा रही है, दूध अलग पी रही है, कौन सा रोग लगा लिया इसने? खाया पिया कुछ लगता ही नहीं। तन्हाई फील करती है शायद। कैसी तन्हाई? कॉलेज में दोस्तें होती हैं, घर पे मैं हूँ इसके साथ, और तुम्हें इसके साथ ज्यादा नरमी दिखाने की जरूरत नहीं। देखा नहीं निमरा ने कितना फायदा उठाया तुम्हारी नरमी का। अक्सर ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे यकीन। बस तुम तो राय नहीं दो, तुम्हें तो निमरा पे भी बड़ा यकीन था। क्या किया उसने? अम्मा बेटी की मोहब्बत में तुम तो पागल हुए जा रहे थे। अच्छा खैर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना इसकी देखभाल के लिए। तुम बस इस पे अपना रोब रखो, ये बहुत जरूरी है। अब मुझे तो लगता है कि ये कॉलेज पढ़ने वढ़ने नहीं जाती, बल्कि कॉलेज तो घर से भागने का एक बहाना है। सुबह कॉलेज, वापस आके टीवी, बस यही तो रूटीन रह गया इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? वो अम्मी घर पे नहीं है। मिलने तो मैं खाला से आया था, लेकिन मुझे तुमसे भी एक जरूरी बात करनी है। हाँ लेकिन अभी घर पे कोई नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? है। तो फिर? बस मुझे मुनासिब नहीं आता। सीमा तुम उस रिश्ते के लिए हरगिज़ हाँ मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उस वाक्य के बाद अगर मैं किसी की वजह से जिंदगी में वापस लौटा हूं तो वो सिर्फ तुम हो। खाला से भी यही बात करने के लिए आया था मैं। अगर खुदा ने आपको मेरे नसीब में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत मेरे नसीब को नहीं बदल सकती। आप प्लीज अब जाएं, दरवाजा बंद करना है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी भाई। अपने कमरे में जाके सो लो। जी। निमरा निमरा।
रहा। कहां गई ये लड़की? कहीं यहां से भी तो नहीं भाग गई? निम्रा, निम्रा, निम्रा जी, कहां थी तुम? मैं छत पर। छत पर क्या कर रही थी? परिंदों को दाना डाल रही थी। कौन से परिंदों को? क्या मतलब, कैसी बातें कर रहे हैं? रोना मत, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरतों के आंसू देखकर मोम की तरह पिघल जाते हैं। ये शरीफ आदमी का घर है और शरीफ आदमी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देता, समझी तुम? जी। इस बात को पल्लू से बांध लो, आइंदा कोई ऐसी वैसी बात हुई तो। आप मुझे गलत समझ रहे। अच्छा बस चुप, मुझे जुबान चलाने और बहस करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कमरे में हूं, खाना लाओ मेरे लिए। एक मिनट, कौन आया था? बोलती क्यों नहीं, कौन आया था? कुर्बान भाई आए थे। क्यों? पता नहीं, आपका पूछ रहे थे। चल जाओ। अभी तक तुमसे खाना नहीं बना? बस हो गया, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सब पता है मुझे, कितना काम करती हो तुम। जान बुझ के आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रही हो ताकि भाई आए और तुम्हें यहाँ काम करता हुआ देखे। ऐसा नहीं है भाभी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हो जाएगा। मेरे सामने ना ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? धो के तुम किसी और को देना, और खबरदार भाई के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोने की कोशिश भी मत करना, और उसके सामने किचन में आने की जरूरत भी नहीं है। नहीं आऊंगी भाभी, आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। ठीक है, और सुनो, जब खाना बन जाए तो अपने कमरे में जाके खाना, भाई पूछे कि खा लिया तो बोल देना मैं खा चुकी हूँ। जी। मैं फिर कह रही हूँ, साथ के सामने अपने कमरे से बाहर मत आना। अल्लाह, बाहर बहुत गर्मी है, गर्मी के मारे मेरा तो दिल ही घबरा गया। लाइन मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ। गुड्डू नहीं आया? नहीं, उसने कहा वो आज अपने पापा के पास रुकेगा। एसी क्यों बंद किया हुआ है? चलाओ। सांस बंद हो रही, तभी मैं कहूं क्यों? जल्दी से चलाओ और जाओ, पानी लेकर आओ ठंडा सा। बड़ी खुशकिस्मत हो भाई तुम, ऐसे ठाट भाट से मेरे भाई ने तुम्हें रखा हुआ है, फिर भी शुक्र नहीं मनाती। कदर किया करो, इतने अच्छे इंसान से शादी हो गई है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे नखरे जो खत्म ही नहीं होते। अल्लाह हिदायत दे बस तुम्हें, अब जल्दी लाओ पानी। अब कुछ सांस में सांस आया है, इसी की हवा आई है तो। तोबा, हाँ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। सुनो, ये इतनी तैयारी किस लिए कर रखी है? बड़े चमक धमक के कपड़े पहने। शबीर भाई तो शाम में वापस आते हैं, अभी तो दोपहर है, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? कैसी बातें कर रही हैं बाजी, शबीर ने कहा था आज वो जल्दी आएंगे, उनके किसी दोस्त के घर जाने हैं। तभी मैं कहूँ ना गलत वक्त पर आ गई। ये क्या है भाई? मैंने कहा था कि मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आना, ये गर्म पानी क्यों लेकर आई हो? जाओ बर्फ डालकर लाओ जल्दी। तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से इस लड़की को ना कोई काम आता है ना कुछ। हाय, एसी भी जो है ना सही नहीं चला। की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, आपने बताया क्यों नहीं? बस बेटा यही सोचती रही कि आजकल में मेरी तबीयत संभल जाएगी, पर संभलने के बजाय
मजीद खराब होती जा रही है। अल्लाह रहम करे। अक्सा बेटा, तुम अगर दो तीन दिन के लिए मेरी तरफ आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। खाना बनाना तो दूर की बात, उससे तो बेटा चाय भी नहीं बन रही। ये ठीक नहीं लगता, आप यहाँ आ जाए, मैं आपकी दिलो जान से खिदमत करूंगी। किसका फोन है? पप्पू का फोन है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जाकर ले आइए उन्हें। सलामुअलैकुम पप्पू, क्या हुआ आपकी तबीयत को? बस बेटा, क्या बताऊं, उम्र ही ऐसी हो गई है। हाँ तो सर ठीक कह रही है ना, आप आ जाएं, यहाँ आ जाएं, बल्कि आप ऐसा करें, आप तैयार हो जाएं, मैं लेने आता हूँ। अदनान से मैं बात कर लूँ। जी जी जी, खुदा हाफिज़। वो मुझे अपने पास बुला रही थी, मैंने उनसे कहा कि ठीक नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें मैं जाकर ले आता हूँ, अच्छे से ख्याल रखना, मम्मी के बाद यही हमारी बड़ी है। आप फिक्र ना करें, ख्याल रखूंगी उनका। सो मुझे एक ग्लास पानी पिला। जी। तौबा है तौबा। क्या हुआ मम्मी? अरे ये जो चार घर छोड़ के वकील साहब रहते हैं ना, इनकी बेटी ने किसी से दिल लगा लिया। कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी पसंद से, बस। तो फिर कर दें उसकी पसंद की शादी, इसमें मसला क्या है? कैसे कर दें, उस लड़के के घर वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उस लड़के की माँ ने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरे घर के दरवाजे इस लड़की के लिए हमेशा के लिए बंद है। उसे समझाए ना अम्मी, ऐसे हालात में वो कहाँ जाएगी? अरे भाई बहुत समझाया उस लड़की, मैंने तो दो हाथ भी जड़ दिए, लेकिन वो लड़की की अपनी जिद पर ही अड़ी हुई। अल्लाह ताला सब बेटियों को रहरास पर ही रखे। आमीन। एक अपनी सीमा है, उसे ही देख लो। तुम्हारी खाला ने तो साफ साफ कह दिया है कि इस बार जो भी रिश्ता आया उसका मैं वहीं पक्का कर दूंगी। मजाल है जो उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज भी निकला। हाँ अलबत्ता चाय नमाज पर बैठ के अपने लिए दुआएं बहुत करती है। अपने खाला से बात की? हाँ बस इतना कहा है कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। तो फिर खाला मान जाएंगी? उन्होंने कभी मेरी किसी बात से इनकार किया है? वो मेरी बात कभी नहीं टालती, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई हूँ बेटा, कहीं मेरी बहन के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं कर देना। ऐसा नहीं होगा मम्मी, सीमा जैसी लड़कियां मैके जाके शिकायत नहीं करती, बल्कि वो अपने सब्र और हिम्मत से सबको अपना बना लेती। क्यों फरहाद, मैं ठीक कह रहा हूँ? तुम्हें भी सीमा के मिजाज की सादगी और सच्चाई ने अपना बनाया। अम्मी आप देख लीजिएगा, सीमा फरहाद की जिंदगी की सारी कमी पूरी कर देगी इंशाल्लाह। पप्पू को दान की शादी कर देनी चाहिए, ये जो हर दूसरे तीसरे दिन बीमारी का बहाना बना के धमकियां देती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी। तो मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा? पप्पो अक्सा को अपने पास बुलवाना चाहती थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पप्पो यहाँ आ जाए, अक्सा का वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तो पप्पो के यहाँ आने में कौन सी बेहतरी है? अब अदनान रोज रोज उनके बहाने यहाँ के उनसे मिलेगा। तो अदनान गैर तो नहीं है, हमारा अपना है यार, खून है हमारा। उफ की दर्द सरी, हर बात पे रोकती है, हर बात पे टोकती है, जीना अजाब कर देती है हमारा, पता नहीं कब जाएंगी वो। टीपू रो रहा है, देखती हूँ मैं उसे।
क्या कर रही थी? कपड़े धोने डाले हुए थे, छत पे लेने गई थी। मैं तुम्हारे लिए किसी काम वाली का बंदोबस्त करता हूँ, अभी छोटे मोटे काम तुम मत किया करो। कोई जरूरत नहीं है, अच्छा है मसरूफ रहती हूँ। औरतें तो फारिग रहने के ख्वाब देखती हैं, तुम मसरूफ रहना चाहती हो? काम करती हूँ तो मेरा दिन गुजर जाता है, फारिग बैठूंगी तो मुश्किल होगी। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें शॉपिंग वॉपिंग और सैर सपाटों की इजाजत दे दूं, तो ये नामुमकिन है। मुझे अकेली घूमने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, जो भी मतलब था, सुनो, शाम को ना अच्छे से तैयार हो जाना, और जितना गोल्ड का जेवर है ना सब पहन लेना, और ये बाल वाल खोल लेना जरा। हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे नहीं, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, घर पे बुलाया मैंने उन्हें, तुम्हें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, रश करेंगे मेरी किस्मत पर। ये तो उन्हें नहीं पता कि तुम भगोड़ी हो, और ऐसा जिक्र भी नहीं करना उनसे। मैं आपके दोस्तों से मिलकर क्या करूंगी? अहमक औरत मिलना नहीं है, सिर्फ झलक दिखानी है, आगे चाय रखना, सलाम करना और चले जाना। क्या ये मुनासिब है? क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब, ये अब तुम मुझे बताओगी। इतनी नेक परवीन थी, पर्देदार थी, तो घर से भागते हुए क्यों नहीं सोचा था? वो सब दोस्त है मेरे, अपनी भाभी से मिलने आ रहे हैं, उनकी नियतों में खोट नहीं है। मुनासिब है, खुदा तो कसूर माफ कर देता है, मगर दुनिया कभी माफ नहीं करती, और मेरा जुर्म तो जैसे मेरे माथे पर लिखा है।